Good morning, kids. Welcome back to the English classes. Today, we will study the poem, Poem Quarrel. Now, in this poem, we will study about the quarrel between brother and sister. ये जो भाई बहन के बीच में झगड़े होते हैं, उसको poet ने बहुत अच्छे से describe किया है. The poet is Eleanor Fajon. Okay? So, it is common for brother and sister to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. भाई बहन के बीच में जो झगड़े होते हैं, siblings के बीच में जो झगड़े होते हैं, कई बार तो उसके कोई कारण भी नहीं होते, फिर भी उनके बीच में झगड़े होते हैं. और ये quarrel ज़्यादा देर के लिए टिकते नहीं हैं, ये झगड़े बहुत लंबे समय के लिए नहीं टिकते हैं और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. तो मैं आपको इसकी summary देने वाली हूँ. Okay kids, मैं अभी आपको इसको explain करूँगी. So, the poet quarrel with his brother on some very petty matter, मतलब बहुत छोटे छोटे बातों पे झगड़ा कर लेता है. It was so petty that now he does not remember what it was. और वो इतने छोटे झगड़े होते हैं कि वो उसको ध्यान भी नहीं रखते हैं कि किन कारणों से झगड़ा किया था. One thing led to another. Both of them felt that they were right. दोनों को ऐसा लगता है कि हम सही हैं. जब भी झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उस झगड़े में, उसको ऐसा लगता है कि वो सही है और सामने वाला गलत है ना. सो इट हैड स्टार्टेड एज समथिंग स्मॉल, इट हैड बीन बिकम इन द बिग इन द एंड. पहले तो वो कोई भी झगड़ा बहुत छोटी सी बात से शुरू होता है और एंड तक आते 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 वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. सो दे बिगिन टू हेट ईच अदर, और उसके बाद वो एक दूसरे से नफरत करना भी स्टार्ट कर देते हैं. द आफ्टरनून बिकम वेरी टेंस्ड एंड अनप्लीजेंट फॉर बोथ ऑफ देम. देखो, हम लोग एक बार अपने आप को सही करने के लिए, प्रूव करने के लिए झगड़ा तो करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में झगड़ा करने के बाद बुरा फील करते हैं हम सब. हम सभी को बुरा लगता है कि, तो ऐसा ही ऑथर के साथ भी हुआ, ऐसा ही पोएट के साथ भी हुआ कि पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर उसे अनप्लीजेंट मतलब कि दुखद लगा और वेरी टेंस्ड मतलब कि वो दुखी था, ठीक है. देन सडनली द पोएट्स ब्रदर पैटेड हिम ऑन द बैक. ही सेड दैट द टू ऑफ देम कुड नॉट गो अलोंग लाइक दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर क्या हुआ कि पोएट का जो ब्रदर है वो पीछे से आता है, उसे थपथपाता है और बोलता है कि हम दोनों इस तरीके से बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैनर, और इस तरीके से रात गुजारना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है. ही सैड दैट इट वॉज हिज मिस्टेक. फिर उसके ब्रदर ने कहा कि ठीक है, ये मेरी गलती है. जस्ट देन द पोएट फेल्ट दैट हिज ब्रदर वॉज राइट. फिर पोएट को भी ऐसा लगा कि उसका ब्रदर सही था. इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वॉज रॉन्ग, और यहाँ तक कि उसे लगा कि वो खुद रॉन्ग है और उसका ब्रदर करेक्ट है, ठीक है. तो क्वारल में ऐसा ही होता है बच्चों, जब हम झगड़ा करते हैं तो हम उस वक्त अपने आप को करेक्ट प्रूव करने के लिए हर एक सामने वाले व्यक्ति को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं. खुद को करेक्ट करने के लिए सामने वाले को रॉन्ग तो प्रूव करना ही पड़ेगा. तो जब गुस्सा शांत हो जाता है उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, वो पर्सन भी करेक्ट था उसकी प्लेस पे, ठीक है. तो ये क्वारल जो है, ये ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का, सिबलिंग्स के बीच का क्वारल है, जिसको पोएट ने बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया है. अब आपको मैं बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी PDF सेंड करूँगी, ठीक है. वो आपको बुक में ही करना है, इन बुक यू हैव टू कम्प्लीट इट. नाउ दीज आर द एडिशनल क्वेश्चंस. ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लास वर्क कॉपी में करने हैं फॉर पोम 3, ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वी समटाइम्स नॉट एबल टू से व्हाई वी आर क्वारल्ड. हम क्यों झगड़े, कभी कभी हम ये बता भी नहीं पाते. तो इसका आंसर है, वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड hot words are exchanged. We begin to hate each other without bothering about how we quarreled. So we are not able to say why we quarreled. देखो, हर एक बात जो होती है छोटी सी बात से शुरू होती है और फिर हम hot words मतलब कि
बुरे शब्द भी और झगड़े वाले शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिससे कि बात बढ़ती जाती है। तो वी फॉरगेट व्हाई वी वर क्वारल्ड, व्हाई वी वर क्वारलिंग, है ना, हम लोग लड़ क्यों रहे थे, क्यों हम झगड़े, तो हम वो कारण ही भूल जाते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू क्वारल लास्ट बिटवीन सिबलिंग्स। क्वारल बिटवीन सिबलिंग्स लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम जनरली। हमेशा ही भाई बहन के बीच में जो झगड़ा होता है बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये झगड़े टिकते नहीं हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू सच क्वारल एंड, दीज क्वारल्स एंड इन द आइदर ऑफ द टू वेज, फर्स्ट व्हेन वन ऑफ द टू रियलाइज द फुलिशनेस एंड गोज टू द अदर फीलिंग सॉरी। देखो, जब दोनों को ऐसा लगता है कि हाँ हम गलत थे, हम लोगों ने फूलिश एक्टिविटी की है, द सेकेंड वे इन द वन ऑफ द क्राइसिस, अ ब्रदर कैन नॉट सी हिज ब्रदर इन अ पेन और सोरो, सो ही रन टू हेल्प हिम और इन क्राइसिस द क्वारल। देखो, क्राइसिस मतलब बुरे समय में, क्वारल दो तरीके से एंड होता है, या तो दोनों चले जाएं एक दूसरे के पास और कहें और सॉरी फील करें, या फिर एक भाई या दूसरा जो भाई है वो एक दूसरे को दुख में नहीं देख सकते, पैन में नहीं देख सकते, है ना, पेन में नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब किसी पे दुख पड़ता है तो फिर ब्रदर और सिस्टर के बीच का जो क्वारल है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ द लास्ट वन, व्हाट कंक्लूशंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम द पोएम, और इस पोएम से आपको क्या कंक्लूशन मिलता है। सो द कंक्लूशन इज़ ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ब्लड जो होता है वो हमेशा ही गाढ़ा होता है पानी से, सीम्स टू बी राइट कंक्लूजन। मतलब कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं हैं, चाहे वो हम एक दूसरे से गुस्सा हो जाएं, चाहे हम एक दूसरे से झगड़ा कर लें, लेकिन ये रिश्ते जो हैं वो टूटते नहीं हैं कभी, ठीक है। सो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। If you have any problem, you can ask me in the comment section. Till then, take care. Bye-bye.